नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिम विरोधी है? सीएए क्या छीन सकती है भारतीय मुसलमानों की नागरिकता? क्या इस्लाम के खिलाफ है सीएए? सीएए को धर्म से जोड़ने वाले लोगों को सुबूही खान ने दिया करारा जवाब, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सुबूही जी, सवाल ये उठता है जो विरोधियों का कहना है, क्योंकि इस कानून के प्रावधान में अगर आप बांग्लादेश से आते, अफगानिस्तान से आते, पाकिस्तान से आते, अन्य छह धर्मों को तो आपने बोल दिया कि हम आपको नागरिकता देंगे, लेकिन आपने मुसलमानों को क्यों बाहर रख दिया? क्योंकि जो सुर, जो विरोधी जो सुर उठा रहे, वो इसी चीज को लेकर, इसी चीज को सवाल उठा रहे कि आपने इस कानून से मुसलमानों को बाहर क्यों कर दिया है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि ये जो पूरा कानून है ये मुस्लिम विरोधी है। एक बच्चा बच्चा, क्योंकि जामिया इस्लामिया में भी हम गए तो वहां पे भी जितने भी युवाएं थे, जो वहां की लड़कियां थी, उनका भी यही सवाल है। कविता जी, अभी देखिए, अगर आप इसको एडिट नहीं करेंगे तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके व्यूअर्स के सामने जाएगा कि आप भी कंफ्यूज हो गई। जी, मैं बात कर रही थी एनआरसी की और आपने सवाल किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। ये दोनों चीजें अलग हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, एनआरसी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, जो पहले बिल था, वो उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जिनके साथ अत्याचार हुआ है उन देशों में, उनको हम इस कंट्री में नागरिकता देंगे। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन टोटल। अब इसमें मैं ये बोलती हूँ कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपने इसमें मुसलमानों को इंक्लूड क्यों नहीं किया, यही एक सवाल, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो जिन तीन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं, तो वहां पे अत्याचार नेचुरली नॉन मुस्लिम्स पर ही हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वहां पे शियाओं पे भी अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, तो आपने शियाओं को क्यों इंक्लूड नहीं किया। इस पे मेरे भी मन में एक बार को ये सवाल आया था कि शियाओं को इंक्लूड कर सकते थे क्योंकि शिया परसिक्यूट हो रहे हैं पाकिस्तान में, बट जब मैंने उसकी इन डेप्थ स्टडी करी तो देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ शियाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है, अहमदियास पे भी हो रहा है, और इस्लामिक सोसाइटी में 72 फिरके बना लिए हैं इन लोगों ने। एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो कितने, उस हिसाब से तो पूरे पाकिस्तान को ही हमें नागरिकता देनी पड़ती, पूरे बांग्लादेश को नागरिकता देनी पड़ती, पूरे अफगानिस्तान को नागरिकता देनी पड़ती। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो अभी हमने सिर्फ परसिक्यूशन के बेस पे डिसीजन लिया है, और जो लोग, जो ये ऑपोजिशन वाले या जो राजनीति इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग 3 आर्टिकल्स का नाम ले रहे हैं। आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये तो। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो देखिए, आर्टिकल 14 पूरा भी पढ़ लीजिए। आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन का भी एक प्रोविजन है, आप उचित आधार पे किसी एक अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। वो इक्वालिटी बिफोर लॉ में कोई फर्क नहीं लाएगा। उस किसी को नागरिकता देने से कि आपकी किसी इक्वालिटी में फर्क नहीं आ रहा है, आपके, आपका कोई अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बोला कि ये कानून धर्म के आधार पे आ ही नहीं रहा है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन के आधार पे आ रहा है, ये परसिक्यूशन के आधार पे आ रहा है। इसका सब्जेक्ट रिलीजन नहीं है, इसका सब्जेक्ट परसिक्यूशन है, ह्यूमन राइट्स है। बोलते हैं आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ। एक बात बताइए, किसी को अधिकार आप दे रहे हैं, कोई प्रताड़ित लोग जिनको मारा जा रहा है, उनका जबरन वहां पे धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, उनके साथ इतनी अत्याचार हो रहे हैं, उनको अगर आप यहाँ पे रहने की इजाजत दे रहे हैं, वो भी कानूनी तरह से, तो क्या वो किसी के भी राइट टू लाइफ का हनन है? राइट टू लाइफ का जो हनन है, जो वायलेशन है, वो तो आप लोग कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट की आड़ में, प्रदर्शन की आड़ में उग्रवाद कर रहे हैं इस देश में। आर्टिकल 21 का वायलेशन आप लोग कर रहे हैं, और ना ही सिर्फ आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हैं, बल्कि सीधा सीधा क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं। एक बात बताइए, प्रदर्शन क्या होता है, विरोध क्या होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है? कि भाई आपको कोई दिक्कत है, कोई भी कानून, कोई भी एक्ट अगर आती है तो कोई वो पत्थर की लकीर या कोई वो किसी पंथ का ग्रंथ तो होता नहीं है कि हमेशा के लिए हो गया। हर एक्ट में अमेंडमेंट की चांसेस हमेशा रहती हैं। तो इसी के ऊपर आपने इतना बवाल मचा रखा है। देखिए,
मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे बहुत सारी पावर्स लगी हुई है कविता। इसमें एक तो राज सत्ता चलाने वाले लोग लगे हुए हैं जिनकी अपना मुसलमानों के बेस पे या कुछ कम्युनिटीज के बेस पे राजनीति चलती है, तो वो इसलिए इस बात को फ्लो अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए एक पॉलिटिकल इशू है कि लोगों को इमोशनल कर दो, बीजेपी के खिलाफ भड़का दो। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वोटर को जब आप एक पार्टी के खिलाफ भड़काएंगे तो वो ये तो सोचेगा कि मैं दूसरी पार्टी तो ढूंढेगा ही किसको वोट दूं, तो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी ये लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इसके पीछे एक ताकत लगी हुई है धर्म सत्ता चलाने वाले लोग, जो लोग अपना पंथ फैलाना चाहते हैं, जिसको मैं राज सत्ता और धर्म सत्ता का खेल भी कहती हूँ। तो धर्म सत्ता चलाने वाले लोग आपको इस्लाम के नाम पे भड़का रहे हैं। हमने किस तरीके नारेबाजी देखी है कि एक एक यूनिवर्सिटी में इस देश का यूथ ये नारे लगा रहा है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। एक बात बताइए आप, नागरिकता कानून कहां से उसमें हिंदुत्व आ गया, कहां से उसमें इस्लाम आ गया? नारा तदबीर, अल्लाह अकबर के आप नारे लगा रहे हैं, तेरा मेरा एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के आप वो कर रहे हैं। तो ये मतलब कितनी धर्मांधता भी हम इस देश के अंदर देख रहे हैं। ये जो धर्म सत्ता चलाने वाली जो लोग हैं, मैं मुस्लिम से भी अपील करती हूँ कि जिन मुसलमानों को ये लगता है कि हम बदनाम हो रहे हैं, प्लीज मनन करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि आप एक्चुअली इस्लाम के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, सूफीवाद वाला जो इस्लाम है, वो इस्लाम जो एक्चुअली में सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वो इस्लाम जो लोगों को जोड़ने की बात करता है, उससे दूर चले गए हैं। एक वहाबिज्म और एक सलाफिज्म, उसके बारे में सारे एडुकेटेड मुस्लिम से अपील करती हूँ, जाके पढ़िएगा कि जो इस्लाम में जो टेररिज्म, आईसिस, आतंकवाद, ये सारी चीज जो आनी स्टार्ट हुई हैं, वो वहाबिज्म आने के बाद हुई हैं। वहाबिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल इस्लाम का एक एजेंडा है जो पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे अपनी एक सत्ता चलाना चाहता है। उन्होंने कुरान की वर्सेस को अपने हिसाब से कट्टरवादी तरह से इंटरप्रेट किया है, और जो हम ये विरोध देख रहे हैं नागरिकता कानून के विरोध में, वो धर्म सत्ता चलाने वाले लोग भी कर रहे हैं, जिनका एक इस्लामिक स्टेट बनाने का वहाबी एजेंडा है। वो आतंकवादी हैं, वो मुसलमान नहीं है। तो प्लीज मुस्लिम से भी ये बोलती हूँ कि प्रॉफिट को जानिए, कुरान को जानिए, अपने धर्म को जानिए, धर्मांतरता से बिहेव मत करिए। एक और इसके पीछे ताकतें लगी हुई है कविता जी, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं। देखिए हर कंट्री में नागरिकता कानून होता है, आप एक बात बताइए, इस नागरिकता कानून का विरोध विदेशों में क्यों हो रहा है? कैम्ब्रिज में विरोध हो रहा है, पेरिस में विरोध हो रहा है। ये जो इतना मासिव लेवल पे विरोध हो रहा है, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए दिखाने के लिए एक रीजन है कि इस नागरिकता कानून की हमें जरूरत क्यों थी। क्योंकि इंटरनेशनल जासूस, इंटरनेशनल स्पाइस जो कंट्रीज ने भी हमारे देश में छोड़ रखे हैं, उन्हें सबको पता है कि सब पकड़ में आ जाएंगे। जैसे ही एनआरसी आ जाएगी, मैपिंग हो जाएगी, घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो हमारा देश उन थ्रेट से भी बाहर निकल जाएगा। वो इंटरनेशनल थ्रेट भी है, इंटरनेशनल पावर्स भी हैं। हर कंट्री में होता है, आप नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री क्रॉस करके दिखाइए इलीगली, आप अफगानिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके दिखाइए इलीगली, आप चाइना की बाउंड्री क्रॉस करके दिखाइए इलीगली, आपका पता भी नहीं चलेगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति, जो कि अतिथि देवो भव में बिलीव करती है, हमने अपने जो लोगों ने, इन लोगों ने हमारी उस संस्कृति को, हमारी उस एक्चुअली सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग को फॉर ग्रांटेड लिया है। हम लोगों को जो है उसका मिसयूज किया है, तो हम उसका मिसयूज अब नहीं होने देंगे। और हम लोग कभी भी ह्यूमन राइट वायलेशंस की या कोई किसी भी तरह की अहिंसा की हमारे बैकग्राउंड नहीं है। तो सीधा सीधा प्लीज इसको धर्म, राजनीति, इन सब चीजों से ऊपर उठ के देखिए, एज एन इंडियन सोचिए, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।